वेलकम बैक दोस्तों, इसके मोटरवाल चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं फिर आया हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम कंपेयर करने वाले हैं ऐसे दो कम्यूटर बाइकों के बारे में जो कि काफी लोकप्रिय हैं और काफी अच्छे नंबर में सेल भी होती हैं। साथ ही में जिनका बजट थोड़ा कम है वो इन बाइकों को आसानी से प्रीफर कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ होंडा CG 110 ड्रीम BS6 और हीरो स्प्लेंडर प्लस BS6 के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए कौन सी बाइक है बेहतर। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप गाड़ियों के लिए जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल इसके मोटरवर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को ही प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सबसे पहले इसमें मिलने वाले कलर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो होंडा CG 110 ड्रीम BS6 की बात करें तो इसमें आपको दो वेरियंट्स मिलते हैं। पहला है स्टैंडर्ड वेरियंट, जिसमें कि आपको चार कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है ब्लैक विद रेड ग्राफिक्स, दूसरा है ब्लैक विद ग्रे ग्राफिक्स, तीसरा है ब्लैक विद ब्लू ग्राफिक्स और चौथा है ब्लैक विद केबिन गोल्ड ग्राफिक्स। वहीं दूसरे वेरिएंट डिलक्स की बात करें तो इसमें भी आपको चार कलर ऑप्शन ही देखने को मिलते हैं, जिसमें कि पहला है ब्लैक, दूसरा है गेनी ग्रे मेटालिक, तीसरा है इंपेरियल रेड मेटालिक और चौथा है एथलेटिक ब्लू मेटालिक। वहीं हीरो स्पेंजर प्लस BS6 की बात करें तो इसमें भी आपको चार कलर ऑप्शन ही देखने को मिलते हैं, जिसमें कि पहला है ब्लैक विद सिल्वर, दूसरा है ब्लैक विद पर्पल, तीसरा है ब्लैक विथ स्पोर्ट्स रेड और चौथा है हेवी ग्रे विथ ग्रीन। तो यहाँ आपको CG 110 में ज़्यादा कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं स्प्लेंडर के मुकाबले देखा जाए तो। अब बात करते हैं इसके लुक्स एवं स्टाइलिंग के बारे में। तो यहाँ पर दोनों ही बाइकों में अपने BS4 मॉडल के मुकाबले से काफ़ी अच्छा बॉडी ग्राफिक्स दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है पहले के मुकाबले। तो यहाँ पर आपको जिसका लुक्स एवं बॉडी ग्राफिक्स अच्छा लगता है उससे आप खरीद सकते हैं, क्योंकि यह एक पर्सनल चॉइस होता है लुक्स का। अब बढ़ते हैं इसके इंजन की तरफ। तो यहाँ CG Dream 110 में आपको 109.51 cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल BS6 कॉम्प्लाइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है, जो 8.6 bhp का पावर देता है 7500 rpm पर और 9.30 nm का टॉर्क देता है 5500 rpm पर, जो कि आता है 4 स्पीड के गियरबॉक्स के साथ। वहीं दूसरी तरफ हीरो स्प्लेंडर प्लस BS6 में आपको 97.5 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 कॉम्प्लाइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है, जो 7.8 bhp का पावर देता है 8000 rpm पर और 8.05 nm का टॉर्क देता है 6000 rpm पर, जो कि आता है 4 स्पीड के गियरबॉक्स के साथ। जो कि यहाँ पर आप देखें इंजन के मामला में तो यहाँ CG 110 ड्रीम का इंजन थोड़ा बड़ा है हीरो स्पेंडर के मुकाबले और थोड़ा ज़्यादा पावरफुल भी है, क्योंकि CG 110 110 cc सेगमेंट में आता है और हीरो स्पेंडर 100 cc सेगमेंट में आता है। अब बात करते हैं इनके सस्पेंशन की। तो यहाँ CG 110 ड्रीम के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन दिया गया है। वहीं हीरो स्पेंजर प्लस के फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जर्वर और रियर में 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जर्वर दिया गया है। कम्फर्ट के मामले में देखा जाए तो यहाँ दोनों ही बाइक अपने अपने जगह पर कम्फर्टेबल है, पर यहाँ एक फायदा आपको स्पेंजर के साथ यह मिल जाता है कि इसका रियर सस्पेंशन 5-स्टेप एडजस्टेबल है, जिसे आप अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं इसके टायर्स की। तो CG 110 ड्रीम के फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको 80x118 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है। वहीं स्प्लेंडर प्लस के फ्रंट और रियर में 80x118 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। तो यहाँ टायर्स के मामले में दोनों ही गाड़ियाँ सेम है। अब बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में। तो यहाँ भी आपको दोनों ही गाड़ियों में सेम ब्रेक्स मिलते हैं, जैसे CG 110 ड्रीम के फ्रंट और रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है और स्प्लेंडर प्लस के भी फ्रंट और रियर में 130 mm का ही ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। अब आते हैं इनमें मिलने वाले कुछ फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले होंडा CG 110 के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको सेफ्टी के लिए कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, DC हेलोजन हेडलैम्प, इंटीग्रेटेड हेडलैम्प बीम, पास स्विच, साइलेंट स्टार्ट विथ ECG मोटर, जिससे कि बाइक बिना उतना ज़्यादा आवाज़ की स्टार्ट हो जाती है। अगला फीचर है इंजन क्यूल स्विच, जो कि एक ऊपर सेगमेंट का फीचर है और साथ ही में इसमें आपको ESP टेक्नोलॉजी भी मिलता है, मतलब इन्हांस स्मार्ट पावर, जिससे कि बाइक पहले से कुछ अच्छा माइलेज और कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। वहीं बात करें हीरो स्प्लेंडर प्लस के कुछ फीचर्स की तो इसमें आपको सेफ्टी के लिए इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। अगला फीचर है i3S टेक्नोलॉजी, जो कि आपको थोड़ी बहुत फील सेफ करने में मदद करता है। तो यहाँ फीचर्स के मामला में देखा जाए तो CG 110 ड्रीम में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं स्प्लेंडर के मुकाबले और कुछ एडवांस फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इन दोनों बाइकों के माइलेज की। तो यहाँ CG 110 ड्रीम आपको 65-70 kmpl का अप्रोक्स माइलेज दे देगा, वहीं हीरो स्प्लेंडर आपको 70-75 kmpl का अप्रोक्स माइलेज दे देगा। तो यहाँ माइलेज के मामला में स्प्लेंडर CG ड्रीम से थोड़ा आगे है, क्योंकि स्प्लेंडर का इंजन थोड़ा छोटा है CG ड्रीम के मुकाबले। अब बात आती है इनके डायमेंशंस की। तो यहाँ CG 110 ड्रीम में आपको 1285 mm का व्हील बेस, 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 790 mm का सीट हाइट, 9.1 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी और 112 kg का कर्वेट मिलता है आपको CG ड्रीम में। वहीं स्प्लेंडर प्लस में आपको 1236 mm का व्हील बेस, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 785 mm का सीट हाइट, 9.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी और 112 kg का कर्वेट मिलता है आपको स्प्लेंडर के साथ।
तो इन दोनों बाइक में से ग्राउंड क्लियरेंस स्प्लेंडर का ज़्यादा है, ये थोड़े खराब रास्तों पर भी चलाया जा सकता है। हालांकि इन दोनों ही ग्राउंड क्लियरेंस में आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है, केवल 3 mm का ही अंतर है। वहीं अगर आपकी हाइट थोड़ी छोटी है तो हीरो स्प्लेंडर आपके लिए परफेक्ट हो गया। अब आते हैं इनके प्राइस के ऊपर। तो सबसे पहले होंडा सी डी 110 ड्रीम के प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इसमें आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है स्टैंडर्ड वेरिएंट, जिसका एक्स शोरूम दिल्ली का प्राइस है 64,505 रुपीज़, और दूसरा वेरिएंट है डीलक्स वेरिएंट, जिसका एक्स शोरूम दिल्ली का प्राइस है 65,505 रुपीज़। वहीं इसके ऑनरोड प्राइस की बात करें तो यह बाइक आपको 75,000 से लेकर 77,000 के बीच में मिल जाएगा। अब आते हैं स्प्लेंडर के प्राइस के ऊपर। तो इसमें आपको तीन वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है किक स्टार्ट, जिसका एक्स शोरूम दिल्ली का प्राइस है 60,350 रुपीज़। दूसरा है सेल्फ स्टार्ट वेरिएंट, जिसका एक्स शोरूम दिल्ली का प्राइस है 62,650 रुपीज़। और तीसरा है सेल्फ स्टार्ट आईथ्रेस टेक्नोलॉजी, जिसका एक्स शोरूम दिल्ली का प्राइस है 63,860 रुपीज़। वहीं इसके ऑनरोड प्राइस की बात करें तो यह बाइक आपको 69,000 से लेकर 74,000 के बीच में मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्राइस के मामला में देखा जाए तो स्प्लेंडर प्लस सी डी 110 ड्रीम से थोड़ी सस्ती पड़ती है। तो अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के ऊपर कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आपको एक मालिश देने वाली बाइक चाहिए तो आप हीरो स्प्लेंडर के साथ जा सकते हैं। वहीं अगर आपको एक फीचर रिच बाइक चाहिए जो 110 cc सेगमेंट में आती हो तो आप सीडी 110 के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तो इसके लिए स्टे ट्यून्ड।